आज बात करते हैं कैनन का G3010 में प्रिंटर मोबाइल से कैसे कनेक्ट करने का, जो मोबाइल से आप डायरेक्ट प्रिंट कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंटर को जो है, अपना प्रिंटर है, उसको आपको ऑन करना होगा। अपने प्रिंटर को ऑन किया, अभी प्रिंटर जो अपना है ऑन हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो मोबाइल डायरेक्टर है, डायरेक्ट लिखा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो अपना प्रिंटर है वो रन हो रहा है अभी, जो इसको आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर अपना प्रिंटर है जो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके ऊपर जो मोबाइल का एरो दिया हुआ रहता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी जो है आपको डिस्प्ले के ऊपर अपना मोबाइल का जो टैबलेट का लोगो आपको ऑन दिखेगा। उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके लिखना है कैनन प्रिंट, आपको लिखना है कैनन स्पेस प्रिंट, जो कैनन कंपनी ने खुद ने डेवलप किया जो ऐप है, जो आपको इस वाला ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जो इंस्टॉल हो गया उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको परमिशन देना है, एग्री करना है, जो अपना मोबाइल से परमिशन मांग रहे हैं उसको भी आपको अलाउ करना है, उसको भी आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको सर्च करना है, या अपन सर्च करेंगे तो जो अपना प्रिंटर रहेगा वो ऐड हो जाएगा। जो प्रिंटर है अभी रिफ्रेश हो रहे हैं, सर्चिंग बार में आप देख रहे हैं जो सर्चिंग हो रहे हैं। ये कुछ एक दो मिनट का टाइम ले सकते हैं, तो आपको एक दो मिनट आपको वेट करना होगा। पहले आपको चेक करना अपना वाईफाई ऑन है क्या। वाईफाई इसके बाद देखो आपको नीचे जो दिख रहे है, जो आपका टैबलेट ऑन रहेगा तो आपको दिखाएगा कि आपका जो प्रिंटर है इसके वाईफाई है, तो आपको जो प्रिंटर है उसको अटैच करना है। फिर कैनन G3010 सीरीज में जो अपना पासपोर्ट रहेगा, आपको जो प्रिंटर रहेगा उसकी बैक साइड में जो प्रिंटर का सीरीज नंबर रहता है वो उसका पासपोर्ट रहता है। आप देख रहे जो एक कैनन का पीछे की तरफ को जो सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है ना, वही इसका पासपोर्ट है। हर एक प्रिंटर को तो इसको डिफॉल्ट पासपोर्ट सेट किया हुआ रहता है। अभी जो ये प्रिंटर है अपन उसका पासवर्ड डालते हैं। हर एक प्रिंटर का जो प्रिंटर सीरियल नंबर वो अलग रहता है, और हर एक का पासपोर्ट भी आपको अलग अलग मिलेगा। सिर्फ आप 5 मिनट का प्रोसेस अंदर आपका जो प्रिंटर है आप अटैच कर सकते हैं मोबाइल के साथ, मोबाइल हो गया, वाईफाई हो गया, कर लैपटॉप से भी। ये आपने कनेक्ट किया, आपको दिख रहे कि इसमें इंटरनेट नहीं चलेगा, केवल आप प्रिंट दे सकते हैं। अभी दोबारा आपको जो ऐप डाउनलोड किया उसके ऊपर रिफ्रेश करना है। आप रिफ्रेश करें वापस 2 मिनट के आपके पास टाइम मांगेगा। आपको दिख रहे वैसे आपको नोटिफिकेशन करके बोलेगा कि आपका मोबाइल से प्रिंटर कनेक्ट हो चुका है। जो आपको प्रिंट देना है वो डायरेक्ट मीडिया के ऊपर जाओ और नीचे देखो आपको क्या प्रिंट देना है, पूरा गैलरी ओपन हो गया है। अगर आपका कुछ पीडीएफ फाइल रहेगा तो भी आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। ये प्रिंट पेपर सेटअप वगैरह का पूरा दिया है कि आप A4 का प्रिंट देना है, 4x6 में क्या पेपर प्रिंट देना है,
पेपर क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से। अगर फोटो प्रिंट देना है तो आपको हाई क्वालिटी करना है और ग्लोसी करना है। अगर आपको नॉर्मल जो प्रिंट देना है तो आपको प्लेन पेपर करके ही प्रिंट देना है, क्योंकि आपको पेपर मांग रहे हैं उसके बाद आपको प्रिंट करना है। ये आप देख रहे अभी प्रिंट आना स्टार्ट हो गए कैनन G3010 में, ये प्रिंट भी आ गया मोबाइल से। आप इजीली उसको अटैच कर सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, कमने वाले को बुलाने की जरूरत नहीं। आप खुद ही ट्राई करो और खुद करो, अगर आपसे नहीं हो रही तो आप मुझे कमेंट करो आपको कहाँ पे जाके दिक्कत आ रही है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।